एक ही नोट भी लोग एक एक नोट भी एक्सचेंज करने आए हैं। आप सब कृपया ध्यान दें, बैंक 1:30 बजे बंद हो जाएगा, बैंक में भीड़ बहुत है। मैं दिल्ली के आरबीआई मुख्यालय के बाहर खड़ा हूँ और एक तरफ ये जो आपके सामने आरबीआई दिख रहा है और ये लंबी सी कतार आपको दिख रही है जो 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज करने आई है। और जैसे ही आप रोड क्रॉस करके देखें, यहाँ पर कुछ व्यक्ति है जो आकाशवाणी दिल्ली के सेंटर के बाहर खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि 2000 का नोट वो एक्सचेंज करके देंगे प्राइवेटली और 200 रुपये ज़्यादा देंगे। ये उन्होंने खुद मुझसे कहा, तो मैं उनका आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रहा इसलिए दूर से ले रहा हूँ। लेकिन ये देखा देखी पुलिस भी यहाँ पर खड़ी है और इसके बीच में पूरा ओपनली यहाँ पे कुछ लोग 2000 का नोट प्राइवेटली एक्सचेंज करने की बात हमारे सामने कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय के बाहर, जहाँ पर 2000 रुपये के नोट जो 2016 के बाद शुरू हुए थे वो बंद हो गए गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद, और वो नोट एक्सचेंज करने के लिए एक लंबी कतार मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये आरबीआई दिल्ली के बाहर का हाल है। ये हाल तब है जब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि अब कोई भी 2000 के नोट बैंकों में एक्सचेंज नहीं होगा, वो केवल आरबीआई मुख्यालयों में कुछ 15 सेंटर्स हैं, उन्हीं सेंटर्स में केवल एक्सचेंज होंगे। और यहाँ पर दिल्ली में 2 दिन से बारिश वाला मौसम है और ऐसे में केवल 1:30 बजे तक ही एंट्री अलाउ की जा रही है लोगों को। तो यहाँ पर कुछ लोग 2-3 दिन रुकने के बावजूद उनको घर वापस लौटना पड़ रहा है बिना उनके नोट्स एक्सचेंज किए हुए। यहाँ पर लोगों से ही बात करके जानते हैं कि क्या है यहाँ का हाल और किस प्रकार से यहाँ पे 2000 के नोटों के एक्सचेंज की व्यवस्था की जा रही है। सुबह 10 बजे से और अभी आज का पहला दिन है आपका, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे 2-3 दिन से भी खड़े हैं। हमारा पहला दिन है, कल फिर लगना पड़ेगा। थोड़ा सा बता सकते हैं क्या प्रोसीजर बताई गई आपको? बताया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, आप आधार कार्ड पैन कार्ड या कुछ भी, उसमें से कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट है तो इसकी एंट्री मिल जाएगी आपको। अच्छा, वही से फिर चलाएंगे। और कितने नोट्स एक टाइम पे कर सकते हैं? अगर आपको एक्सचेंज कराना है तो 10,000 की लिमिट है, अगर आपको जमा कराना है तो अनलिमिटेड है। और क्या टाइम बताया आरबीआई ने, कब से कब तक? 1:30 बजे तक है लास्ट एंट्री। अभी तो 1 बज रहा है तो आपका मौका शायद नहीं आएगा। नहीं, आप लेकिन खड़े हैं 10 बजे तक। 10 बजे से आप खड़े हैं, ठीक है भैया। और जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग 10 बजे से खड़े हैं और आरबीआई के मुताबिक 1:30 बजे के बाद नहीं मिलेगी, है ना? तो 1:30 बजे के बाद इनको नहीं मिलेगी और अभी बज रहा है, लगभग 1 बज रहा है, तो लग रहा है कि इनका आज का दिन भी वेस्ट हो गया है, क्योंकि आज भी शायद इनको नोट बदल के ना मिले। पैसे कैश कराने के लिए कितने बजे से खड़े हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे 9 बजे से खड़े हैं। आप कब से आए हो पहले ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, पहले ये बताइए। मैं तो अभी आधे घंटे से आया हूँ भाई, तो पीछे से जा जो लगे उधर लाइन में। अच्छा, मतलब सुबह से है आप? सुबह से ही है भाई। कितने बजे तक का समय है यहाँ पर? ये तो भाई अंदर से पता लगेगा यार। एंट्री यहाँ से 1:30 बजे तक है, उसके बाद अंदर तो लास्ट तक जितने लोग एंटर कर जाते हैं हम तो। अच्छा, 1:30 बजे यहाँ का बंद हो जाएगा। हाँ, मेरा नाम अमन है। अमन, क्या करते हैं आप? भाई मैं जॉब करता हूँ, बस मेरा नंबर नहीं। पहला ही दिन है आपका यहाँ पर? पहले मुझे कोई शौक नहीं, मेरा जॉब कर, मैं अपनी जॉब करता हूँ। ओके, मुझे एक बार चेंज हो जाए, मुझे उससे कोई मतलब। अब यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की गई पुलिस द्वारा कि यहाँ पर 1:30 बजे के बाद कोई नहीं लाइन में खड़ा रहेगा, तो अब 1:10 हो चुके हैं और ये लोग लाइन में खड़े हैं और उनको कहा गया कि अब लाइन में ना लगिए। अच्छा, और अभी तो ये बोल रहे कि बंद हो गया, ये बंद हो गया, कह रहा पोहा पी के घर जाकर सो जाओ। बाप रे, अभी खोला जा रहा है आपके लिए? बाहर निकाल रहे हो? ओके, यहाँ से लोग अब निकल रहे हैं लाइनों से, जो लोग वेट कर रहे थे। अब 1:30 बज चुका है चूंकि, और आरबीआई की डेडलाइन आज के दिन की समाप्त हो गई है। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं कुछ लोग और हैं, वो लकी वंस है आज के, जिनको मौका मिला अंदर नोट एक्सचेंज करने का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।